इस देश के ये लोग जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं इस सरकार के जरिए से, इस मनुवादी, इस ब्रह्मवादी सरकार के जरिए से जो लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं उनको खैरात में ये नागरिकता देंगे और फिर पीढ़ियों तक, नस्लों तक उनको गुलाम बनाया जाएगा ताकि तुम हमेशा के लिए आरएसएस और बीजेपी का भक्त बन के रहो। देशभक्त तो नहीं बन सकते। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर बारह, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है रजी अनवर। क्या कहेंगे आप आज इस प्रोटेस्ट के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि देश का यूथ और देश का छात्र, देश का नागरिक संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए यहाँ आए हैं। इंडिया यंग है, इंडिया यंग रहेगा। अगरचे हमारे पीएम बूढ़े हो गए, उनका ब्रेन जो है ना चल गया है और उनके साथियों का भी वो ढीला हो गया है, उनको समझ में नहीं आता है कि हम देश को कैसे चलाएं। और ये सही बात है कि वो उनको समझ कैसे आएगा, वो तो अनपढ़ है, नादान है, उनको कुछ पता ही नहीं है कि संविधान में क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। वो ये बोलते हैं कि भाई ये कानून तो संविधान के मुताबिक है, लेकिन जो भी अगर बच्चा जो भी 10th तक 12th तक पढ़ा है वो भी जानता है कि CAA संविधान के खिलाफ है। संविधान के खिलाफ कैसे है ये हम सबको बताने की ज़रूरत है। इन लोगों को, हमारे पीएम और अमित शाह, इन लोगों को पढ़ाने की ज़रूरत है कि आओ हम तुम्हें पढ़ाते हैं। देश का यूथ अपने पीएम को पढ़ाएगा कि CAA संविधान के खिलाफ कैसे है। मैं ये बताता हूँ कैसे। हाँ, मैं विरोध कर रहा हूँ और आप मुझसे पूछ लीजिए कि ये कैसे कैसे विरोध कर रहा है। जी, आज जो भी विरोध कर रहे हैं वो देश के जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटियाँ हैं, देश के जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, IITs हैं, MMC, हर जगह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस संविधान को बचाने के लिए और ये बताने के लिए कि हम सब जानते हैं संविधान में क्या लिखा हुआ है। संविधान के मूलभूत ढांचे में ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो संविधान के मौलिक अधिकार को छीने, जो संविधान का मूलभूत ढांचे को उल्लंघन करे, जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करे। ये साफ साफ लिखा हुआ है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये जानना ज़रूरी है। 1973 में केशव आनंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेकुलरिज्म ये संविधान का मूलभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है। इसी तरह से सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, सबसे सुप्रीम है, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट उसके नीचे है। जो जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये तीनों पावर लेते हैं कहाँ से? संविधान से लेते हैं। मतलब ये हुआ पार्लियामेंट संविधान के खिलाफ कोई कानून नहीं बना सकती। एक मरतबे ये मोदी गवर्नमेंट ने 2015 में एक कानून बनाया था जिसमें उन्होंने कहा NJAC, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, उसको भी उन्होंने दोनों सदनों में पास कर दिया और ये कहा कि ये संविधान के हिसाब से ठीक है, संविधान के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, कहा कि ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की आज़ादी, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। बैलेंस ऑफ पावर, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। सुप्रीम कोर्ट मैं दखल अंदाजी ना करे पार्लियामेंट, ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। NJAC को खारिज कर दिया था। इसी तरह से SC ST एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कमज़ोर किया था, अभी एक साल पहले की बात है। तो जन आंदोलन खड़ा हुआ था देश के कोने कोने में, आदिवासी और दलित सारे लोग मिलकर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे और पार्लियामेंट को SC ST एक्ट को वापस लेना पड़ा था। SC ST जो कमज़ोर किया था उस कमज़ोरी को दूर करना पड़ा था। इस वजह से मैं देश के जनता से कहना चाहूँगा कि हमारे प्रोटेस्ट से ये सबसे बड़ा फायदा होगा कि संविधान बचेगा, संविधान का मूलभूत ढांचा बचेगा, संविधान का मौलिक अधिकार बचेगा और इसके लिए
देश का जनता, देश का नागरिक, देश का छात्र, युवा सब एक साथ होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज 25 जगहों में यंग इंडिया का प्रोटेस्ट हो रहा है, हजारों सिटियों में, हजारों शहरों में प्रोटेस्ट हो रहा है सीएए के खिलाफ, एनपीआर के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ। एक बात अगर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग कहते हैं सीए सिटीजनशिप देने के लिए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है वो जानता है सिटीजनशिप छीनने के लिए है, ये सीए सिटीजनशिप छीनता है, देता नहीं है। ये कैसे है? एक तो सीएए में कहा गया है कि 3 ही कंट्री के प्रताड़ित लोगों को हम सिटीजनशिप देंगे, और वो भी सिर्फ 6 धर्मों को मानने वालों के। मेरा ये सवाल है कि जो लोग आदिवासी हैं, जो जंगलों में रहते हैं, वो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, एनआरपी, एनपीआर और एनआरसी से वो बहुत आसानी से बाहर हो जाएंगे, फिर उनको ये कैसे प्रूव करेंगे कि वो बांग्लादेश से आए थे या पाकिस्तान से आए थे? वो तो हजारों साल से इसी देश में रहते हैं, जब वो इस देश का नागरिकता प्रूव नहीं कर सके तो फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान का नागरिकता कैसे प्रूव करेंगे? दूसरी बात यह है कि जो आदिवासी हैं उनमें से अक्सर लोग किसी धर्म को नहीं मानते, वो प्रकृति को पूछते हैं, वो नेचर को पूछते हैं। तो बताइए, ये जो 6 धर्म आपने गिना दिया है, तो ये आदिवासी तो उन 6 धर्मों में आए ही नहीं, तो मतलब ये हुआ कि इन 12 करोड़ आदिवासियों से नागरिकता छीनने की साजिश है सीए के जरिया से। और एक मैं बात कहना चाहूँगा, जो हमारे हिंदू भाई ये सोचते हैं ना कि हम सीए से एंट्री ले लेंगे, उनको ये जानना चाहिए जब एनपीआर एनआरसी से आप बाहर हो जाएंगे किसी भी तरह से, या तो आपके नाम की गलती की वजह से, या आपका कागज़ जल गया था, या आपका कागज़ बह गया था, या आपके पास कागज़ था ही नहीं, किसी भी तरीके से गलती से आपका नाम अगर निकल जाए तो आप विदेशी घोषित हो गए। मतलब हुआ कि आप इसी देश में पैदा हुए, इसी देश में हजारों साल से आपकी पीढ़ियां रहीं, और कागज ना होने की वजह से आपको विदेशी घोषित कर दिया गया। आप अपने बाप के बेटे हैं और कागज ना होने की वजह से आपको कह दिया गया कि तुम अपने बाप का बेटा नहीं हो। ये लोग जो भारत माता का नारा लगाते हैं, उनसे ये बहुत बड़ा सवाल है कि तुम भारत माता उसके बेटों से पूछते हो कि बताओ तुम्हारी माँ कौन है? ये कितनी शर्म की बात है। और ये कौन पूछता है? पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग, जो लोग अनपढ़ हैं, जो नादान हैं, जिन्होंने ना तो इंडियन कल्चर को पढ़ा, ना ही इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा, और ना ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, ये लोग भारत के नागरिक से पूछते हैं तुम्हारे माता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है? इन लोगों पे शर्म आनी चाहिए। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने किसी तरह से प्रूव कर भी दिया कि हम बांग्लादेश या पाकिस्तान से आए थे, तो जब एक मरतबा विदेशी घोषित हो गए तो आपकी प्रॉपर्टी तो सरकार ले लेगी, सरकार प्रॉपर्टी लेकर अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, ललित मोदी को दे देगी। आपसे तो छीन लिया, पीढ़ियों से जो आपकी आ रही थी सब ले लिया, सिर्फ कागज नहीं होने की वजह से। अब आपको खैरात में क्या देगा? नागरिकता आपको एक कागज में लिख के देगा, ले लो, ये तुम्हारी पीढ़ियों की कमाई है, इसको चाटो। जो चीज हमारी थी वो चीज छीन लिए और फिर एक कागज हमको पकड़ा दे रहे हो खैरात में, ताकि इस देश के ये लोग जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं इस सरकार के जरिया से, इस मनुवादी, इस ब्रह्मवादी सरकार के जरिए से जो लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनको खैरात में ये नागरिकता देंगे, और फिर पीढ़ियों तक, नस्लों तक उनको गुलाम बनाया जाएगा, ताकि तुम हमेशा के लिए आरएसएस और बीजेपी का भक्त बन के रहो। देशभक्त तो नहीं बन सकते, देशभक्त वो है जो आज सड़कों पर है, देशभक्त वो है जो आज यूनिवर्सिटियों में है, देशभक्त वो है जो खेतों में है, जो जंगलों में है, जो नदियों के किनारे है, जो देश का 130 करोड़ जनता है वो देशभक्त है। ललित मोदी, नीरव मोदी, मोदी मोदी, ये लोग देशभक्त नहीं है, ये लोग देश के गद्दार हैं, ये लोग देश द्रोह हैं, ये लोग देश बेचते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि ये लोग संविधान के खिलाफ कानून बनाते हैं, संविधान पे अटैक करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का रचना क्या हुआ, संविधान को तोड़ते हैं, उसकी धज्जियाँ उड़ाते हैं, और फिर कहते हैं ये तो कुछ मुसलमानों की बात है, कुछ लोगों की परेशानी है। देश के जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब ये हुआ कि आज संविधान की धज्जियाँ उड़ाइए, संविधान को बर्बाद कर दीजिए,
और नाम दे दीजिए कि कुछ मुसलमानों को प्रॉब्लम है और किसी को नहीं है, मुस्लिम का टैग लगा दीजिए। कल ये लोग संविधान को बदलेंगे, इसकी जगह पे मनुवादी संविधान लाएंगे, मनुस्मृति लाएंगे और कह देंगे कि ये तो सिर्फ मुसलमानों से बचाने के लिए। और परसों ये लोग क्या करेंगे, ललित मोदी, नीरव मोदी, अडानी अंबानी के यहाँ देश को बेच देंगे और कह देंगे कि हम तो मुसलमानों से बचाने के लिए देश को बेच दिया। मैं ये सवाल करना चाहूंगा 130 करोड़ जनता से, क्या आप लोग ये बर्दाश्त करेंगे क्या आपके संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जाए, आपके संविधान को बदला जाए, आपके देश को बेचा जाए अडानी अंबानी नीरव मोदी के हाथ सिर्फ इस वजह से कि कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाना है। वो टाइटल कुछ और कुछ भी हो सकता है, आज मुस्लिम है कल वो कुछ और भी हो सकता है। ये लोग सिर्फ टाइटल बदल देते हैं लेकिन अटैक तो देश पर करते हैं, संविधान पर करते हैं, जैसे कि सीए के जरिया से ये कर रहे हैं, एनपीआर एनआरसी के जरिया से ये कर रहे हैं। देश की जनता को ये बात क्लियरली समझनी चाहिए। हम इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक कि ये कानून वापस नहीं लिया जाता है। जय हिंद।